नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे, यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी और आपने यदि गेस्ट टीचर के लिए आवेदन कर रखा है, साथ ही यदि आपने 2018 या उसके बाद में कोई मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए, वर्ग 1, 2, 3 जो भी उत्तीर्ण किए, तो आप GFMS पोर्टल पर उसकी मार्क एंट्री कैसे करोगे ताकि आपको आगे भविष्य में उसका लाभ मिल सके, उसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में जानकारी देंगे और कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में देंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आपने मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के अंतर्गत यदि आपने गवर्नमेंट स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी के अंतर्गत यदि आपने जो है अतिथि शिक्षक का काम किया है और आपने सत्र 18, 20 या 21 में जो भी अतिथि शिक्षक यानी कि जो TET परीक्षा हुई थी, व्यापम की वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की जो परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में यदि आप उत्तीर्ण हो गए और आप अतिथि शिक्षक का कार्य कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपका जो GFMS पोर्टल पर दोस्तों यानी कि गेस्ट फैकल्टी पोर्टल पर आपको उसकी जानकारी देना है, तो उसके लिए दोस्तों आपको GFMS.MP.GOV.IN ये वाले पोर्टल पर आना है। जैसे आप ये वाले पोर्टल पर आओगे तो यहाँ पर आवश्यक सूचना है, आवेदकों द्वारा शिक्षण पात्रता परीक्षा एवं पैनल की जानकारी त्रुटिपूर्ण अपलोड होने के उपरांत संकुल प्राचार्य के सत्यापन पूर्व जानकारी संशोधित करने की सुविधा शीघ्र ही आवेदक के लॉगिन पर उपलब्ध होगी। तो यदि आपने जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की है और उसमें कोई त्रुटिपूर्ण जानकारी हो गई और सत्यापन हो गया, तो उसका संशोधन के लिए भी जानकारी जो है जल्दी उपलब्ध हो जाएगी। और यदि अभी तक आपने उसमें पैनल पे अपना एंट्री नहीं किया है, तो यहाँ से इसको क्लोज कर दे, तो आपको कुछ इस तरीके से ये वाला पोर्टल यहाँ पर शो होगा। साथ ही ये वाले पोर्टल की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, जहाँ से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर आप अपना अतिथि शिक्षक के स्कोर कार्ड में यानी कि अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आप अपनी TET एग्जाम उत्तीर्ण की जानकारी अपलोड कर सके। उसके बाद में आपको सिंपल से लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर बोला जा रहा है यूजर नेम और पासवर्ड। तो आपने जो अतिथि शिक्षक के लिए आवेदन किया था और आपका जो भी यूजर नेम पासवर्ड आपको प्राप्त हुआ था, तो यूजर नेम में आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल है वो मोबाइल नंबर आपका यूजर नेम रहेगा, और पासवर्ड में दोस्तों आपका जो भी पासवर्ड मैसेज के माध्यम से प्राप्त हुआ था वो पासवर्ड यहाँ पर आपको देना है और लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। यदि आपका पासवर्ड आपको नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों उस स्थिति में हमने आपको पिछले वीडियो में जानकारी दी थी कि आप अपना पासवर्ड कैसे रीसेट करोगे, कैसे रिकवर करोगे, तो वो वाले वीडियो की लिंक ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप अपना पासवर्ड भी रिकवर करना सीख जाओ। यदि आप यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं, तो दोस्तों आपका पासवर्ड रीसेट नहीं होगा। पासवर्ड रीसेट करने की एक नई टेक्निक थी, वो हमने आपको पिछले वीडियो में दी थी, तो वो हमने ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दिया, तो वहाँ पर जाकर आप चेक करें और अपना पासवर्ड मंगवा लें। जैसे आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड देकर लॉगिन पर क्लिक करोगे, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपने डैशबोर्ड में आ जाओगे। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से जानकारी दिखेगी, यहाँ पर आपका यूज़र आईडी दिखेगा, यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम में जो भी आवेदक है उसका आवेदक का नाम यहाँ पर आपको शो होगा। सुरक्षा के लिए हमने जानकारी हाइड कर दी, इसलिए आप जिसका भी करोगे उसकी जानकारी यहाँ पर आपको शो होगी। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से ये वाले डैशबोर्ड पर आना है और TET क्वालिफिकेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर हमें क्लिक करना है, और नीचे जो TET क्वालिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से फिल TET एग्जाम क्वालिफिकेशन डिटेल, आवेदक द्वारा मध्य प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा वर्ष 18 या उसके पश्चात उत्तीर्ण की जानकारी दर्ज करें। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड दिखेगा, TET एग्जाम डिटेल। तो सबसे पहले आपको ईयर का चयन करना है, तो 2018 में आपने उत्तीर्ण की है, 20 में की या 23 में की, जो भी किए उसका आपको चयन कर लेना। उसके बाद में पैनल पर जैसे आप क्लिक करोगे तो SS1 यानी कि वर्ग 1 के लिए आपने आवेदन किया था और उसकी परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है, तो उसमें कौन से सब्जेक्ट से आपका था वो सब्जेक्ट का चयन करना है। उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर वर्ग 2 के लिए है SS2 यानी कि वर्ग 2 के लिए, और स्क्रॉल कर नीचे आओगे तो यहाँ पर SS3। तो यहाँ पर यदि आपने प्राथमिक शिक्षा के लिए यानी कि वर्ग 3 में आपने उत्तीर्ण है, तो यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट से उत्तीर्ण है और इनमें से आपने नॉर्मल वर्ग 3 में उत्तीर्ण किए तो SS3 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में कैटेगरी का चयन करना है, जेंडर का चयन करना है, उसके बाद में रोल नंबर देना जो भी रोल नंबर है, और उसके बाद में आपकी मार्कशीट पर जो आपने वर्ग 3, वर्ग 1, वर्ग 2 में जो भी उत्तीर्ण की उसकी मार्कशीट पर जो भी आपके प्राप्तांक आए हैं वो प्राप्तांक देना है, सिलेक्ट करना है, सिंपल से अपडेट डिटेल पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप अपडेट डिटेल पर क्लिक करोगे तो आपकी जानकारी जो दोस्तों यहाँ पर ऐड हो जाएगी,
उसके बाद में आपको और नए ऐड करना है तो उस वर का चयन कर लेना, उसके बाद में वो जानकारी फिल कर आप चेकबॉक्स पर क्लिक कर अपडेट पर क्लिक कर ले। ये सारी जानकारी अपडेट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको इसकी प्रिंट निकाल लेनी है। प्रिंट निकालने के बाद में आपका जो भी संकुल है जहाँ से आपने अतिथि शिक्षक का फॉर्म वेरिफिकेशन करवाया था उस संकुल केंद्र पर आपको जाना है। संकुल केंद्र पर जाने के बाद में आपके जो भी दस्तावेज संकुल केंद्र पर मांगे जा रहे हैं वो दस्तावेज वहाँ पर आपको देना है और उसके बाद में इसका वेरिफिकेशन करवा लेना है। जैसे आपका संकुल से वेरीफाई होगा तो आपकी जो भी वर्ग दो वर्ग तीन या वर्ग एक की पात्रता परीक्षा में आप उत्तीर्ण हुए वो जानकारी आपके अतिथि शिक्षक के स्कोर कार्ड पे और आपके अतिथि शिक्षक की जो डाटा है उस पर ऐड हो जाएगा। और ये डाटा ऐड करने के बाद में दोस्तों आपका इसका बेनिफिट आपको आगे के नेक्स्ट ईयर में या फिर आगे की जो भी परीक्षाएँ होगी पात्रता परीक्षा उसमें इसका आपको लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस तरीके से यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी और आपने अतिथि शिक्षक में कार्य किया है और उसके आपने यदि 2018 या उसके पश्चात यदि कोई परीक्षा उत्तीर्ण किए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में वर्ग एक वर्ग दो वर्ग तीन के तो उसके जो भी अंक है वो अंक प्रविष्ट आपको इस तरीके से करना है और अंक प्रविष्ट करने के बाद में इसकी आपका वेरिफिकेशन करवाना है। वेरिफिकेशन के बाद में जो रिसिप्ट प्राप्त होगी वो सुरक्षित संभाल कर अपने पास रख लेनी है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताना है। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।